दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ का वन ऑफ द बेस्ट पोयम द सॉलिटरी रीपर। तो दोस्तों बाकी सब के बारे में हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम इसके टाइटल के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों सॉलिटरी मतलब होता है सिंगल यानी कि अकेला, और दोस्तों रीपर मतलब होता है हार्वेस्ट करने वाला, मतलब दोस्तों मिला जुला के कहूँ तो जो खेत में अकेला खेती बाड़ी करता है। और दोस्तों ये पोयम पब्लिश हुई थी 1807 में और ये एक बैलड है। बैलड का मतलब दोस्तों शॉर्ट में बताऊं तो एक छोटा सा पोयम या सॉन्ग जो कि एक छोटा सा स्टोरी बताता है और वो छोटे छोटे स्टैंजर्स में होता है। तो आइए दोस्तों अब हम आज की हमारी ये पोयम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। बीहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, ध्यान से देखो अकेली खड़ी है फील्ड में, यौन सॉलिटरी हाईलैंड लैस। लैस मतलब होता है जवान लड़की, तो यहाँ पोएट कहते हैं कि वो लड़की अकेले खड़ी है उस हाईलैंड में यानी कि उस खेत में जो ऊंचे जगह पर स्थित है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ स्टॉप हेयर और जेंटली पास, तो दोस्तों यहाँ पोएट कहते हैं कि वो लड़की अकेले खेती कर रही है और वो गाना गा रही है। और दोस्तों इस लाइन में पोएट कहते हैं कि या तो तुम इस सीनेरी को देखो, यानी कि दोस्तों ये सब जो है यहाँ पर खेत है और लड़की है ये सब को देखो, नहीं तो यहाँ से जेंटली पास हो जाओ, यानी कि बिना डिस्टर्ब किए यहाँ से पास हो जाओ, मतलब कि यहाँ से निकल चलो। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो लड़की अकेले ही अनाज को काट रही है और सभी अनाजों को एक जगह इकट्ठा कर रही है। एंड सिंग्स अ मेलेंकली स्ट्रेन, दोस्तों इस वर्ड का मतलब होता है सैडनेस और दोस्तों स्ट्रेन मतलब होता है आवाज, तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वो लड़की एक सैड सॉन्ग गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, यहाँ जो दोस्तों ये वेल है इसका मतलब है वैली, और दोस्तों प्रोफाउंड मतलब होता है एक बहुत ही डीप इमोशन, तो यहाँ पोएट कहते हैं कि आप सुनिए वो जो लड़की गाना गा रही है वो कितना मधुर है। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, पूरी घाटी से उसकी आवाज़ बाहर की तरफ निकलता हुआ फैल रहा है, मतलब कि दोस्तों उस लड़की की आवाज़ चारों तरफ फैल चुकी है। तो आइए दोस्तों अब नज़र डालते हैं सेकेंड स्टैंजा पर। नो नाइट एंगल डिड एवर चॉन्ट, तो दोस्तों ये जो नाइट एंगल है ये इस तरीके का चिड़िया होता है और चॉन्ट मतलब होता है चहचहाना, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो लड़की इतना मधुर गा रही है कि नाइट एंगल बर्ड भी अभी तक ऐसा नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, इतना मधुर गा रही है वो लड़की कि जो उसकी म्यूजिक के नोट्स है यानी कि दोस्तों ताल से ताल जो है वो गाने का पूरा परफेक्टली मिल रहा है। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शैडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स, ऐसा लग रहा है मानो उस रेगिस्तान में भी ऐसा मीठा आवाज़ नहीं मिल सकता जिस प्रकार ये लड़की गा रही है। तो दोस्तों बेसिकली इस लाइन में पोएट बताना चाहते हैं कि लड़की की जो आवाज़ है वो बहुत ही मधुर है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, दोस्तों ये कुकू भी एक बर्ड होता है जिसकी आवाज़ बहुत ही सुंदर होती है और लोग इसकी आवाज़ सुनने को पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पोएट कह रहे हैं कि ऐसी थ्रिलिंग आवाज़ हमने स्प्रिंग टाइम में कभी कुकू बर्ड की भी नहीं सुनी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीस अमंग द फारदेस्ट हेबराइड्स, दोस्तों हेबराइड्स मतलब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में दोस्तों बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ है, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि उस आवाज़ ने पूरे सन्नाटे को जो कि समुंदर के आसपास था उस सन्नाटे को तोड़ दिया है। ये है इस पोएम का थर्ड स्टैंजा। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो लड़की किस प्रकार का गाना गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो,
फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। तो दोस्तों यहाँ पर पोएट अंदाजा लगाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है ये बहुत ही दुख भरा गाना हो, और हो सकता है जो पुराने समय में कोई बहुत बड़ी युद्ध हुआ है, ऐसी युद्ध का गाना गा रही हो, या कोई खराब घटना हुई हो, इस प्रकार का कोई गीत गा रही हो। तो दोस्तों बेसिकली इन लाइंस को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो जो लड़की गाना गा रही है वो एक सैड सॉन्ग है। और इज इट सम मोर हम्बलली फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, हो सकता है ये कोई ऑर्डिनरी सॉन्ग हो जो ये लड़की रोज गाती हो, समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ तो पक्का है कि वो बहुत ही दुख में गाना गा रही है। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन डैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। तो यहाँ दोस्तों पोएट कहते हैं कि कहीं ये लड़की कोई ऐसा गाना तो नहीं गा रही है जो लोग गाते हैं जब कोई नेचुरल लॉस होता है या दर्द होता है, तो कहीं ये लड़की उस पर तो गाना नहीं गा रही है। मतलब दोस्तों यहाँ हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि पोएट को ये नहीं पता कि लड़की किस प्रकार का गाना गा रही है, लेकिन हाँ पोएट को ये पता है कि लड़की सैड सॉन्ग गा रही है। वट एवर द थीम द मेडन सैंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। दोस्तों मेडन मतलब होता है कुंवारी लड़की, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई हो। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि वो लड़की कुंवारी है और ऐसा लगता है कि इस संगीत का अंत यानी कि इस गाने का एंडिंग कभी भी नहीं होगा। I saw her singing at her work and over the sickle bending. दोस्तों ये जो sickle है ये इस तरीके का औजार होता है। तो यहाँ दोस्तों पोएट कहते हैं कि मैंने देखा कि वो ये गाना अपने काम को करते हुए गा रही है, वो जब जब सीकल से फसल को काटने के लिए नीचे झुकती है तब तब वो ये गाना को गाती है। I listened motionless and still. मैं संगीत को सुनते हुए इतना खो गया कि मैं motionless हो गया। मतलब कि दोस्तों पोएट के बॉडी में उनका कंट्रोल नहीं रहा ये गाना को सुनकर। And as I mounted up the hill. तो दोस्तों इस लाइन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि पोएट अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि और जैसे ही मैं एक पहाड़ पर चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो यहाँ पर दोस्तों पोएट कहते हैं कि मुझे ये संगीत अब सुनाई नहीं देगी, लेकिन ये मेरी हृदय में बस चुकी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पोयम ख़त्म होता है। और हाँ दोस्तों हमारा ये चैनल अभी छोटा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें।